पूरी एकता, पूरी भारत के किसान मजदूर एकता। मोदी सरकार, मोदी सरकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे किसान भराओ ते मेरी भैनों, मैं बेनती करना कि मेरी थोड़ी उम्र के हिसाब नाल याददाश्त घट आ, इस करके मैं लिख के लिया ते आप जी नूं मैं बेनती करदा कि मैं आप जी दे अगे रखांगा, अगर कोई गलती गुलती होगी तो माफ़ करदा। सब तो पहला मैं स्टेज सैकटरियां का धन्यवाद करदा जो बहुत ही सियाणप नाल स्टेज नूं चला रहे ने। काले कानूनों बारे साडा संघर्ष बहुत चढ़ती कला विच चल रहा है। बच्चा बच्चा इस अंदोलन में हिस्सा लै रहा। मोदी जो कह रहा कि बजुर्गों नूं घर भेजो, जदों असीं बजुर्गों नूं मोदी तेरा इह सलाह देंदे आ तां वो अगों सानूं खूंडा लैके पै जांदे आ कि असीं नहीं जाना तुसीं भज जो। जदों असीं बच्चिआं नूं मोदी तेरा सलाह देने आ तां वो अगों कहिंदे हन कि जे दुबारा सानूं किहा तां असीं मोदी दे गल पै के मर जाना, शहीद हो जाना। मोदी साहब तू बहुत झूठा ते बेईमान प्रधानमंत्री आ। तेरी चलाकी बारे बच्चे बच्चे नूं पता लग गया। पिंडां शहरां च पहले जमाने च आम गल चलदी सी, जदों कोई जनानी आके जनानियां नूं इधर उधर दीयां गल्लां सुना के चली जांदी सी तां मगरों जनानियां कहंदियां हुंदियां सी कि इह जनानी फते कुटनी है, फफे कुटनी है। भैनों इस तो बच के रहो, उदों गल तेरे ते टुकदी है। तू भी अज फफे कुटनी बन दा काम कर रहा। पूरे भारत के किसान मजदूरों नूं अबानी अडानी कोल वेच रहा, फिर सानू फुलियां पा रहा कि सिख कौम बहुत मार्शल कौम है। मैं पंजाब से पलिया, पंजाब से जमया, सिख कौम ते मैनू माण है। इन्हां गल्लां दा तेरे कोलों सानू ये सबूत मिलदा कि तू सड़कां पुट दित्तियां, किल ला दित्ते, पानी दियां वासणां पवा दित्तियां, इंटरनेट बंद कर दिता, पानी लाइटां बंद कर दिंदियां। इसलिए ये ड्रामे करने बंद कर दे। तू कदी कोई हुलिया बदल लैना ते कदी कोई हुलिया बदल लैना। हुण तू जो वालां दा ते दाढ़ी दा हुलिया बनाया, इस नूं ठीक कर। सारी संसार दे बच्चे डर रहे ने। तू हिस्टरी विच पढ़िया होवेगा कि किसी पठानी दा जदों बच्चा रोंदा सी तां ओह बच्चों नूं चुप कराउण लई कहंदियां सी, हाए बच्चे चुप कर जा, हरी सिंह नलूआ आ गया, हरी सिंह नलूआ आ गया। इस गल ते थोड़ी ताड़ी मार दिओ। इस हरी सिंह नलूए ने साडे भारत नूं मुगलों तो बचाया सी। हुण जनानियां रोंदे बच्चे नूं कह रहियां ने, हाए बच्चे मोदी आ गया, मोदी आ गया, जो साडे भारत दे बच्चों का खून पी रहा। मोदी साहब ये ड्रामे करने बंद कर दिओ। तू शीशगंज जाके मत्था टेकिया सी, तू गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दिहाड़े ते सिखां नूं वधाई दित्ती सी। पूरी ताकत दे पूरी भारत के किसान मजदूर एकता। इन्हां गुरुआं दे दिहाड़ियां ते मुगल ते अंग्रेजां ने सारे कैदी रिहा कर देंदे सी। तू जे इस दिहाड़े ते काले कानून कैद कैंसल कर देंदा तां तेरी सारे संसार विच बल्ले बल्ले होनी सी। बाकी रही गल खेती मंत्री तोमर दी, मैं तोमर साहब तुहानू पुछदा कि तुसीं केंद्र सरकार बनाउण समय जो विधान दी नीति है, सौं नहीं खाधी कि मैं झूठ नहीं बोलांगा, प्रजा दा वफादार रहांगा, प्रजा नूं हर एक सहूलत देवांगा। जदों भी तू बोलदा किसानां नूं बदनाम करदा। एक कहावत है कि मुर्दा बोलू खफन पाड़ू। पर अडानी अबानी मोदी अमृत शाह तोमर याद रखो कि तुहाडे लई 4 साल हैं। 4 साल बाद असीं तुहानूं इकल्ले इकल्ले दे तुहाडे दर्शन करांगे, तुहानूं असीं जिथे भी होगे उत्थे जरूर मिलांगे। बाकी कंगना तां बेवकूफ बणी गई आ, इस नूं अकल देण वास्ते साडीआं भैणां बहुत तावलियां ने, इस नूं तां की समझाउणा। मैं लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली दी लोकां विच बहुत इज्जत आ। तुसीं किसानां प्रति गलत बयानबाजी करके क्यों अपनी इज्जत नूं अपने ही पैरां विच रोल रहे हो? तुहानूं इज्जत ते पैसे वालों कोई घाटा नहीं, फिर तुसीं क्यों इन्ना लालच कर रहे हो कि मोदी नूं खुश करके असीं इन्हां कोलों रेला मुल लै लवांगे, हवाई अड्डे मुल लै लवांगे। याद रखो, तुसीं इस लालच की खातर अपनी बनी इज्जत खराब कर बैठोगे। इन्नियां वड्डियां हस्तियां हो के अकल करो। मोदी साहब, तू सिखां नूं बहादुर कह रिहा, किते पटवारी चरण सिंह की वीडियो वेख, वो अखी डिठा हाल दस रहा। 65 की पाकिस्तान नाल भारत की लड़ाई विच अदर कास्ट दियां बटालियां न भज गई, तो फिर सिखां दियां बटालियां लाइया, तो उन्होंने उत्थे फतेह की। सिखां नूं वेखदियां ही पाकिस्तानी फौज भज गई। इस तरह पटवारी ने दसिया कि कतर की लड़ाई विच पाकिस्तानी फौज 14 टैंक एक लाइन के अगे नूं ला के वधे, इथों भी भारतीय फौज पिछे भज गई। तद उस वक्त सिख रजमेंटां लाइया, तो सिखा ने अपने लक्कां च बंब बन के टैंकां थले शहीदियां दित्तियां, ते पाकिस्तानी फौज भज गई, ते उत्थे जे टैंक सी वो भी टुट गए। चलो, मेरा समां पूरा हो गया, होर भी मैं विचार काफ़ी रखने सी चंगे चंगे, इत्थे मैं समाप्ति करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की